प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति के सदस्यों द्वारा लगातार पुरानी भिलाई रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर सक्रिय रहे हैं। वे विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज उठाई और दिल्ली भी गए थे। गौरतलब है कि प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति के सदस्यों के द्वारा लगातार एक्सप्रेस ट्रेन की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वही रविवार को उनका प्रतिफल भिलाई 3 के स्टेशन में देखने को मिला। दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा रविवार से शुरू की गई है और इसका स्टॉपेज भिलाई 3 को भी मिला है। शाम 6:40 बजे जैसे ही ट्रेन पुरानी भिलाई रेलवे स्टेशन पहुंची, समिति के सदस्यों सहित आंध्र समाज एवं उड़िया समाज के लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी रजनी बघेल के नेतृत्व में लोगों ने ट्रेन के चालक का पुष्पहार से स्वागत किया और ट्रेन का स्टॉपेज मिलने पर हर्ष जताया। वही प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति द्वारा अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसे लेकर समिति के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज जो ट्रेन मिली है उसके लिए पुरानी भिलाई वासियों की बहुत खुशी देखते बनती है, उनकी यानी जुनून देखते बनता है। भारी संख्या में उन लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे। बहुत अच्छी बात है और प्रगति रेल कल्याण समिति इसके लिए दुर्ग से लेकर दिल्ली तक इसके लिए दौड़ लगाई है। हमारे सभी साथी इसके लिए बधाई पात्र हैं और ख़ासकर दाऊ विजय बघेल जी, जिन्होंने इसके लिए सतत प्रयास किया, संसद में इस चीज़ को उठाया उन्होंने, जिसके लिए आज ये मिला है। आंध्र और उत्कल वासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और प्रयास रहेगा दाऊ जी के साथ में कि और 1-8 ट्रेनें मिलें हम लोगों को, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं दाऊ विजय बघेल जी को कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर मैडम रजनी बघेल जी को भेजा है। साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल्याण समिति जो है पास मैंने करीब विगत 6 सालों से निरंतर प्रयासरत है कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। जैसे अभी यहाँ पर कोई भी एक ठो शेड बना है, इतना लंबा चौड़ा है, कहीं शेड नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर चौक में खुला हुआ था वो भी बंद है। दूसरा चीज़, यहाँ एक्सप्रेस एक भी नहीं रुका था। अभी तीन एक्सप्रेस अभी रुक गए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ और भी एक्सप्रेस रुके। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस भिलाई का नाम जो है लोग जाने, और वास्तव में इसलिए नहीं जान पा रहे हैं, जब भी बाहर जाते हैं भिलाई माने पावर हाउस को सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन का नाम पुरानी भिलाई रखा जाए ताकि इसकी पहचान बनी रहे और यहाँ का विकास हो सके। ऐसा ही जो है यहाँ पर हमारे पास टी स्टॉल नहीं है, साइकिल स्टैंड नहीं है, तो ये और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रगतिशील समिति के जो है ना हमारे संरक्षक हमारे बघेल जी हैं, जो उनके सहयोग से इतना दूर तक हम आए हैं, इसलिए उनको बार बार धन्यवाद। बहरहाल इस दौरान समिति के गणेश शुक्ला, रमेश सिंह, डी संजीवी सहित अन्य पदाधिकारी एवं क्षेत्र के नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।